ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। अलीगंज के भाजपा विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने पूरा किया जनता से किया गया वादा। अलीगंज में हुआ रोडवेज बस स्टेशन का शिलान्यास। सूबे के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शिलान्यास। सांसद फरुखाबाद मुकेश राजपूत, डीएम एटा सुखलाल भारती, एसडीएम अलीगंज पीएल मौर्य ने नारियल तोड़कर किया शिलान्यास। खबर एटा जनपद के अलीगंज नगर से है, जहां के निवासियों को आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस स्टेशन की सौगात दी है। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने शिलान्यास कर जनता को बताया कि आज देश व प्रदेश कोविड 19 की महामारी से जूझ रहा है, फिर भी हम लड़ेंगे और आगे भी बढ़ेंगे के मूल मंत्र को आत्मसात कर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने की सभी संभावित प्रयास को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश परिवहन ने इस महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर प्रवासियों को अपने घर तक पहुंचाने में जो सराहनीय भूमिका निभाई है, उसके लिए इस विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। किसी भी क्षेत्र का विकास परिवहन की सुविधाओं पर निर्भर करता है। अलीगंज के विधायक ने इस मांग को रखा, जिसे आज अमली जामा पहनाकर शिलान्यास दिया गया। सांसद मुकेश राजपूत ने इस क्षेत्र में भी और विकास कार्य कराए जाने की बात कही, जिसमें राजकीय कॉलेज व रोडवेज की डिपो शामिल है। विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री जी द्वारा अलीगंज को सौगात में बस स्टेशन दिए जाने पर हृदय से धन्यवाद दिया। वहीं पिछली सरकारों पर इस ओर ध्यान न देने की बात कही। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार लोगों पर झूठे मुकदमे काबिज कराने में लगी रही और विकास के कार्यक्रम स्वीकृत कराने के बाद उन कार्यों की ओर उदासीन हो गए, जिससे वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और आज तक पूरे न हो सके। क्षेत्र की हर समस्या को जल्द हल कराए जाने के बाद यहाँ की जनता से उन्होंने जो वादे किए, उन्हें समय रखते पूर्ण कराए जाने की बात कही। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो विकास दुबे की रिपोर्ट।